अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कॉपी क्लिक क्लिप बोर्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम ये क्लिक टू कॉपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा। मैं ये आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो हम यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करेंगे हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, मतलब सेम वही टेक्स्ट हमारे पास कॉपी होगा। इसको पेस्ट किया, सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, रीलोड किया और क्लिक टू कॉपी। अब ये टेक्स्ट हमारे पास कॉपी हो गया। अब आता हूँ अपने नोटपैड की फाइल में और इसमें पेस्ट किया तो ये हमारे पास टेक्स्ट जो पेस्ट हो गया। अगर मैं इसमें से कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसमें सिर्फ ये लोरम इप्सम, इसे रीलोड करते हैं, लोरम इप्सम को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और सिर्फ उतना ही हमारे पास टेक्स्ट कॉपी होगा। लेकिन अगर मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए बगैर कॉपी करता हूँ तो ये तमाम को सिलेक्ट करेगा और तमाम जो टेक्स्ट होगा हमारे पास ये कॉपी कर लेगा। तो ये एक बहुत यूज़फुल फंक्शन है जो अक्सर वेबसाइट में होता है। तो इसे हम किस तरह से बना सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, इसे इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले हम ये खूबसूरत से लेआउट्स बनाएंगे, उसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ। तो उसके लिए आता हूँ कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ इसमें HTML का कोड मौजूद है, तो उसमें हमारे पास एक डिव है, डिव को हमने क्लास दी हुई है कंटेनर और उसके अंदर एक और डिव है जिसको हमने ID दी हुई है div1 और उसके नीचे फिर दो BR के टैग हैं, उसके बाद एक बटन का टैग है, बटन के टैग को ID दी हुई है button1 और ऑन क्लिक पे हमने दी हुई है कॉपी क्लिक क्लिप बोर्ड और इसमें हमने जो इसकी ID है वो पास की हुई है div1। मेक श्योर ये जो ID है वो कॉलन के दरमियान में, चाहे सिंगल कॉलन लगा लें या डबल कॉलन, इन कॉलन बगैर अगर आप ID लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह से हमने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन भी परफॉर्म कर दिया। अब इस फंक्शन को हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब उससे पहले हम इसके CSS लिखते हैं, इसको सेव किया, कंटेनर को हम कॉपी करते हैं, स्टाइल डॉट CSS में आया। सबसे पहले बॉडी को हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, इसको मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ 333, एक डार्क सा कलर बन जाएगा। उसके बाद कंटेनर, और कंटेनर को सबसे पहले मैं मार्जिन दूंगा ऑटो ताकि मेरे पास एग्जैक्ट सेंटर में हो। उसके बाद इसको मार्जिन टॉप देंगे, टॉप से इसे मैं करूँगा 30 पिक्सल, और उसके बाद मैं इसको विड्थ दूंगा, विड्थ से मैं दूंगा 500 पिक्सल या 600 कर लें 600 पिक्सल, और हाइट जो है वो इसे दूंगा मैं 300 पिक्सल। उसके बाद इसको मैं डिस्प्ले दूंगा, डिस्प्ले से दूंगा मैं फ्लैक्स, तो ये सारे एज अ फ्लैक्स बॉक्स शो हो जाएंगे। उसके बाद इसको अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट इसका सेंटर और फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी मैं करूँगा कॉलम, तो एग्जैक्ट उसी तरह से हमारे पास शो हो जाएगा। और अलाइन आइटम्स सेंटर, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड इसमें दे देता हूँ वाइट, और इसके ऊपर बॉक्स शेडो लगाएंगे, बॉक्स शेडो इसे मैं दूंगा RGBA और RGBA, यहाँ पे ए भी हमारे पास होगा RGBA। तो उसका जो रेड है वो इसे दूंगा मैं 0, ग्रीन 0, ब्लू भी इसका 0, और जो एल्फ है वो इसे दूंगा 0.24, और यहाँ पे मैं इसके डायरेक्शन जो है वो डिफाइन करूँगा 0 पिक्सल और 3 पिक्सल, 8 पिक्सल। यहाँ मैंने इसके ऊपर हल्का सा बॉक्स शेडो लगा दिया। अब इसके बाद इसके नीचे हमारे पास जो कंटेनर के अंदर डिव है उसको स्टाइल करेंगे, उसे मैं विड्थ दूंगा 80% और हाइट उसकी होगी ऑटो, और पैडिंग उसे दूंगा 20 पिक्सल, और उसे फिर बॉक्स शेडो लगाएंगे, बॉक्स शेडो में हमें इसे RGBA और रेड इसका 0, ग्रीन भी 0, ब्लू इसका जो है वो भी 0, अल्फा 0.16, और इसके बाद इसके मैं जो डायरेक्शन है वो डिफाइन करूँगा 0 पिक्सल, 1 पिक्सल और 4 पिक्सल। इसके ऊपर हल्का सा ये बॉक्स शेडो लग गया, और इसमें फॉन्ट साइज इसका मैं कर दूंगा 18 पिक्सल ताकि थोड़ा समय बड़ा शो हो। उसके बाद हमारे पास नीचे जो बटन है उसे हम स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे मैं करूँगा डॉट कंटेनर, और उसके अंदर जो हमारे पास बटन का टैग है उसे मैं सबसे पहले पैडिंग दूंगा 16 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड उसका हम करेंगे इंडिगो,
और आउटलाइन उसकी हम करेंगे नन, बॉर्डर नन, और उसे हम देंगे फॉन्ट कलर वाइट, बॉक्स शेडो या बॉक्स शेडो की बजाय हम इसे बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस हो सके 30 पिक्सल, ताकि थोड़ा एक सर्कुलर बटन हमारे पास बन जाएगा और कर्सर इसके ऊपर जो है वो पॉइंटर करेंगे, और कर्सर इसके ऊपर बन गया पॉइंटर। अब इसके होवर पे हम करते हैं, जब इसके ऊपर होवर करें तो डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो बटन है, जब उसके ऊपर करें होवर तो हमारे पास इसका जो बॉर्डर है वो हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड सॉलिड और इंडिगो, और इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए वाइट, और बैकग्राउंड के इसका हो जाए फॉन्ट कलर वो उसको हो जाए इंडिगो। अब इसको ओवर करेंगे तो इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, और ट्रांजिशन जो है इसको ट्रांजिशन ट्रांजिशन वो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा 0.4 सेकेंड इज इन आउट, सेव किया। अब इसके ऊपर ओवर करते हैं तो बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारे पास क्लिक टू कॉपी जो बटन स्टाइल हो गया, और इसमें हम फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट साइज इसका भी 18 पिक्सल, ये ऊपर वाले का हम 16 कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले होगा। और मज़ीद आप इसे मज़ीद कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब इसको ओपन किया इस तरह से ये हमारे पास जो है बॉक्स रेडी हो गया। अब इसके आते हैं हम जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ, तो जावास्क्रिप्ट कोड में सबसे पहले मैं इसमें एक कॉन्स्टेंट लूँगा जो बटन को स्टोर करेगी, कॉन्स्टेंट ले लें या वेरिएबल ले लें, मैं यहाँ पर वैर यूज़ कर लेता हूँ, ये नॉर्मल वे है, कॉन्स्टेंट भी सेम वर्क करेगी और लेट भी सेम काम करेगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें हम बटन को स्टोर करेंगे। अब बटन की जो आईडी हमारे पास है बटन वन, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसमें हमने बटन को स्टोर कर दिया, उसके बाद फंक्शन, अब फंक्शन इसमें मैं लगाऊंगा जो हमारे पास ये कॉपी क्लिप बोर्ड वाला है, इसको मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आया और इस फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करवाया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा कंटेनर आईडी, इसमें जो पैरामीटर पास करूंगा। अब इस कॉपी क्लिप बोर्ड वाला जो फंक्शन है इसमें कंटेनर आईडी जो पैरामीटर होगा, यहाँ पे जो भी मैं आईडी पास करूंगा उसको ये कॉपी करेगा। तो ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे परफॉर्म करवाया ये सिर्फ एक इस प्रोजेक्ट के लिए, इसे आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, वो आपको बाद में समझाऊंगा। इफ़ और इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्शन सिलेक्शन, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल लगाएंगे रेंज, ये टेक्स्ट की कितनी रेंज हो, तो इसमें मैं लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्रिएट टेक्स्ट रेंज, क्रिएट टेक्स्ट रेंज, बॉडी इसकी जो टेक्स्ट रेंज क्रिएट करेगी, उसके बाद जो हमारे पास रेंज है जितनी भी इसमें रेंज आएगी वो मूव एलिमेंट होगा, मूव एलिमेंट और टू टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट आएगी इसमें जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कंटेनर आईडी। अब इसका मतलब ये है कि जो इसने पहले पूरी बॉडी में जितना भी टेक्स्ट है उसको वो उसकी टेक्स्ट रेंज बना ली, अब उसमें से जो उसकी रेंज होगी वो वही होगी जो एक कंटेनर आईडी के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। उसके बाद इसको हम रेंज करेंगे, रेंज सिलेक्ट रेंज डॉट सिलेक्ट, और सिलेक्ट में मैं इसे यहाँ पर डिफाइन करूँगा क्रिएट टेक्स्ट रेंज, और यहाँ पर टेक्स्ट रेंज जो है वो स्टोर कर ली। अब यहाँ पर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट एक्जीक्यूट कमांड, कौन सी कमांड जो एग्जीक्यूट हो तो वो कमांड मैं दूंगा कॉपी, तो कॉपी कमांड जो है इसमें आए। इसमें और भी बहुत सी कमांड्स होती हैं जो हम बाद में सर्च करेंगे कि इसमें और कौन सी कमांड्स होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एल्स इफ, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ में हम लगाएंगे कि विंडो पूरी जो इंटायर विंडो है उसमें गेट सिलेक्शन, उसकी सिलेक्शन करो और
वेरिएबल यहाँ पे एक लो रेंज और उसमें स्टोर करवाओ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट रेंज, क्रिएट रेंज या हम क्रिएट इसकी टेक्स्ट रेंज या सिर्फ रेंज कर लेते हैं, क्रिएट रेंज और रेंज होगी हमारे पास वो होगी इसकी सिलेक्ट नोड, सिलेक्ट और नोड एन ओ डी नोड और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आईडी हम इसमें पास करेंगे कंटेनर आईडी, जो कंटेनर के अंदर आईडी मौजूद होगी और यहाँ पे विंडो डॉट गेट सिलेक्शन ये इसका आर आई डी फंक्शन डिफाइन है जावास्क्रिप्ट में और डॉट एड रेंज इसमें कितनी रेंज हो जो हमने रेंज वेरिएबल में डिफाइन की है और रेंज जो वेरिएबल है उसमें हमने पूरी बॉडी में जितना टेक्स्ट आ रहा है वो और उसमें से जो जिस आईडी को हम टारगेट करेंगे उस आईडी में जितना भी टेक्स्ट होगा वो इसकी रेंज होगी और यहाँ पे हम एक कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट एग्जीक्यूट कमांड और यहाँ पे भी हम कॉपी की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसको सेव किया। अब इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास दोबारा इसको क्लिक करते हैं, रिलोड किया और यहाँ पे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं। अच्छा इसमें हमारे पास कहीं पर एरर आ रहा है वो हम देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, कंटेनर आईडी वेरिएबल हमने रेंज और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट गेट सिलेक्शन वेरिएबल डॉट रेंज। अच्छा ये हमने रेग यहाँ पे एन लगाना था रेंज, अब इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं तो पूरा इसने सिलेक्ट कर लिया, स्पेलिंग मिस्टेक भी इसमें हो जाती है, अब ये पूरा जो टेक्स्ट है वो उसको सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसमें से सिर्फ ये लॉरम को करना चाहता हूँ लॉरम को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास लॉरम जो है वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन अगर पूरी मुझे इंटायर डिव का टेक्स्ट कॉपी करना तो इसके लिए मैं क्लिक टू कॉपी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट ले लूँगा। अब क्या है कि हम इसमें जो बटन है उसको स्टाइल करेंगे कि जब ये जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाए तो बटन का जो इनर एचटीएमएल है इनर एचटीएमएल उसमें टेक्स्ट डाल दो डन। अब इसमें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसका टेक्स्ट इसने डाल दिया डन और ये बटन ये हमने ऊपर बटन में बटन वाली जो समय टैग है उसको इंक्लूड किया हुआ है बटन आईडी के साथ, तो ऐसे ही आपने बटन नहीं लिख देना पहले इसको यहाँ पे डिफाइन भी करना है वेरिएबल बटन डॉक्यूमेंट डेट गेट एलिमेंट बाई आईडी गेट एलिमेंट बाई आईडी और बटन की आईडी आपने देनी है डॉट स्टाइल और स्टाइल इसमें हम करेंगे इसका बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है वो इक्वल हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन। अब दोबारा इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका बॉर्डर जो ग्रीन हो रहा है और इसका हम बैकग्राउंड जो है वो भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इसका हम कर देंगे यहाँ पे सिंपली ग्रीन। अब इसको सेव किया, अब ये बैकग्राउंड भी इसका ग्रीन हो रहा है, इस तरह से हम इसे ईजिली जो है परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसको रीलोड करते हैं, अब क्लिक टू कॉपी, अब ये पूरा टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर रहा है और जो हमारे पास आउटपुट है वो भी दे रहा है। अब अच्छा इसमें ना एक और चीज़ हम लगा सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हम एडिटेबल बना दें, तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ कंटेंट एडिटेबल और ये इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको सेव किया। अब ये हमारे पास इसमें कंटेंट है ना एडिटेबल है, हम इसमें से डिलीट कर सकते हैं और इसमें न्यू कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जब रीलोड करेंगे तो जो इसमें टेक्स्ट मौजूद है वही आएगा जो कि यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर यहाँ मैं करता हूँ क्लिक टू कॉपी तो इसने इस तरह से नहीं करना, आपने पता क्या करना है इसके लिए आपने यहाँ से अपनी मर्जी से कंटेंट सेलेक्ट करना जितना आपने कॉपी करना है, इतना मैंने कॉपी करना है तो यहाँ पर करूँगा क्लिप टू कॉपी और यहाँ पर उतना टेक्स्ट जो है मैं कॉपी कर लूँगा। अगर मुझे थोड़ा चाहिए तो मैं सिर्फ ये लॉरम इप्सम चाहिए तो उसके लिए मैं ये लॉरम इप्सम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा क्लिक टू कॉपी और यहाँ पे लॉरम इप्सम जो टैक्स है वो हमारे पास आ जाएगा। इसलिए अगर आप यानी बहुत बड़ा आपका पैराग्राफ है तो
उसमें से आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कंटेंट एडिटेबल लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से कंटेंट सेलेक्ट करें उसमें से, यानी आप कॉपी कर सकते हो। और अगर इसमें अपनी मर्जी से कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसी पैराग्राफ को यहाँ से इसको पहले रीलोड करते हैं और क्लिक क्लिक टू कॉपी, तो इसने सारा कॉपी कर दिया। अब इसी के अंदर मैं इसको ऐड कर दूँगा और अच्छा हम सारे को सिलेक्ट करके फिर कॉपी करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हमने सिलेक्ट करना, सारा सिलेक्ट किया कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर आएंगे और सेम पैराग्राफ जो है ऐड करते जाएंगे, तो सेम उसने सारा जो पैराग्राफ है वो ऐड करने शुरू कर दिए। इस तरह से आप कंटेंट एडिटेबल यूज़ कर सकते हो। जब आप कंटेंट एडिटेबल यूज़ करोगे इसमें आपने ज़्यादा कंटेंट ऐड करवाना होता है, तो मेक श्योर जो डिव है उसको आपने हाइट जो है ऑटो देनी है। जब हाइट आप फिक्स कर दोगे तो वो जो कंटेंट होगा वो डिव के बाहर जाएगा, तो एक बुरा बुरा इफेक्ट बनेगा। उसका भी हाल है कि उसमें आप ओवरफ्लो है उसका हिडन कर दो हाइट दे के, लेकिन वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। जब आपका ये एक पैराग्राफ है या एक आर्टिकल है तो उसमें आप हाइट ऑटो ही रखती हो, उसमें फिक्स हाइट नहीं करती। अच्छा इसको अब हमने रीलोड किया और अब मैं आपको बता रहा था कि एग्जीक्यूट कमांड कितनी होती हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली आना एग्जीक्यूट कमांड को यहाँ से करें कॉपी और गूगल पे आएँ और यहाँ पे लिखें एग्जीक्यूट कमांड जावास्क्रिप्ट। या आप देखें एग्जीक्यूट ऑल जावास्क्रिप्ट कमांड, यहाँ पे क्लिक करो एग्जीक्यूट ऑल जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे आप इसको ओपन करो और या ऑल जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कमांड्स, यहाँ पे भी आपको इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मिल जाएगी। इसको भी ओपन कर लो और ये नीचे इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, एक तुम्हारे पास आ रही है ये कॉपी वाली। अब यहाँ पे देखो लीगल वैल्यू में यहाँ पर बैक कलर बोल्ड क्रिएट लिंक कॉपी कट डिफॉल्ट पैराग्राफ सेपरेटर डिलीट फॉन्ट नेम फॉन्ट साइज फोर कलर फॉर्मेट ब्लॉक फॉर्मेट डिलीट इंसर्ट हॉरिजॉन्टल रूल इंसर्ट एचटीएमएल इंसर्ट इमेज इंसर्ट लिंक ब्रेक इंसर्ट ऑर्डर लिस्ट इंसर्ट पैराग्राफ, इसमें बहुत सही है आपके पास यूज सीएसएस, तो इतनी आपके पास ये कमांड है। आप ये सारे कमांड जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ होंगी तो उसके लिए आप अलग अलग जो है ट्यूटोरियल देख सकते हो। तो देखिए मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बताऊँगा जिसमें हम कुछ इसमें और लेंगे जो कमांड्स हैं और उन कमांड को ऑन क्लिक पे हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि मोस्टली हम यूज़ करेंगे इंसर्ट इमेज इंसर्ट लिंक ब्रेक, और इसमें से जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी वो मैं करूँगा और जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल भी होंगी। और जब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।